अस्सलाम वालेकुम। मामा शरीफ के बरियल के लिए गांव आ गए, कोयरटा कोटली आज़ाद कश्मीर। मामू की डेथ जो है वो 3 दिन पहले वेकफील्ड्स वेस्ट यॉर्कशायर्स में यूके में हुई। मामू की पैदाइश भी इधर की है और उनकी एक एक्सट्रीम किस्म की ख्वाहिश थी जो शायद उन्होंने 10-15 लोगों को एक्सप्रेस की और जगह बताई कि मेरी कब्र यहाँ बनानी है। और आज इंशाल्लाह इनका 5:30 बजे जनाजा है और फिर बरियल भी होगा। तो यहाँ से जब उनकी डेड बॉडी लेके गुजरे तो मुझे कब्र की जगह देखी तो मुझे खुशवंत सिंह की एक राइटअप याद आ गया जहाँ उन्होंने अपनी मौत के बारे में बात की। तो उन्होंने कहा कि कोई पीसफुल कोना हो और दरख्त हो, दरख्त की टहनी के साए में जो है वो उनकी कब्र बने। तो मैंने देखा तो मैंने कहा मामू ने ये कितने लोगों को ये अपनी कब्र की जगह बताई है, इस जगह पे ये पहली कब्र है। मस्जिद भी माशाल्लाह मामू ने खुद ही तामीर की हुई है और ये मस्जिद के बाजू में उन्होंने अपनी कब्र की जगह बताई। माशाल्लाह दरवेश आदमी थे, कसरत से कुरान पढ़ते थे, सैफुल मुल्क से उनका बहुत ज़्यादा शौक़ था। थोड़ा ले में गा के सैफुल मुल्क पढ़ते थे। मैंने नहीं देखा कि किसी को उन्होंने कभी सख्ती से बोले हों, किसी के साथ उन्हें कोई सख्ती की हो या किसी को अच्छा बुरा कहा। तो मेरी नज़र में तो अल्लाह ताला ने उनकी जितनी सॉफ्टनेस उनमें डाली हुई थी वो नहीं लगता कि उनकी कोई इतना बोझ है या कोई चीज़ होगी। अल्लाह उनका हिसाब किताब बहुत आसान करे। तो ये देखिए माशाल्लाह ये दरख्त है और ये दरख्त का साया है और इसके नीचे ये खूबसूरत सी कब्र है, ये मस्जिद का बाजू है। और माशाल्लाह उन्होंने जगह ऐसी सिलेक्ट की है कि यहाँ हर वक्त जो है लोग आते जाते दुआ करेंगे और कुछ ना कहें तो अस्सलाम वालेकुम या आलम कबूर तो कहेंगे। तो अल्लाह ताला मामू की कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, खूबसूरत कब्र बनी हुई है माशाल्लाह। ये मामू का घर है और ये नाला बांध है जो साथ साथ से जाते हैं, उधर ऊपर इंडिया की तरफ से आता है और फिर ये जाके पुंछ रिवर में कोटली से जाके मिल जाता है। सो ऐसी खूबसूरत जगह पे मर के दफन होना भी एक बहुत बड़ा अजाज है। मेरी इल्तमास है कि सब लोग मामू की मगफरत के लिए जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए और अल्लाह ताला उनको अपने महबूब बंदों में जगह दें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।